हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल डेली हेल्थ टिप्स पे आपका स्वागत है। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक करना और साथ ही इसे अपने सोशल मीडिया पर भी ज़रूर शेयर करना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पुशअप्स लगाने के फ़ायदे और साथ ही इसे करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, हर व्यक्ति आज के माहौल में अपने आप को फिट रखकर सुंदर और साथ ही अट्रैक्टिव दिखाना पसंद करता है। दोस्तों, इसके लिए वो कई तरह के उपाय भी अपनाता है, जैसे कि सुबह उठकर जॉगिंग करना, टहलना, व्यायाम करना या फिर वर्कआउट करना। लेकिन दोस्तों, हमारे बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और साथ ही बॉडी को शेप में लाने और उसे मजबूत बनाने के लिए पुशअप्स वर्कआउट सबसे लाजवाब तरीका है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वर्कआउट को करने से मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती हैं। सिर्फ पुशअप्स ही एक ऐसा व्यायाम है जो कि दोस्तों ऊपरी शरीर और साथ ही कोर ताकत दोनों का निर्माण करता है। और दोस्तों, ये खासतौर पर आपके चेस्ट, अपर आर्म्स और साथ ही शोल्डर्स पर काम करता है। ऐसे में दोस्तों, पुशअप्स को उचित रूप से और साथ ही सही तरीके से किया जाता है तो ये आपके पेट की मांसपेशियों को खींचकर पीठ के निचले हिस्से और साथ ही कोर को मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग कर सकता है। और दोस्तों, ये एक्सरसाइज कहीं भी किया जा सकता है और इसे करने के लिए आपको किसी भी उपकरणों की आवश्यकता भी नहीं होती है। यदि आप नियमित रूप से व्यायाम करना चाहते हैं तो हर दिन पुशअप्स करना आपके लिए सबसे प्रभावी हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड, तो आइए हम आपको बताते हैं पुशअप एक्सरसाइज करने का सही तरीका क्या है और साथ ही से करने से आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपने पहली बार डेली हेल्थ टिप्स पर विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बाजू वाले बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं पुशअप्स करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, पुशअप्स बॉडी के ऊपरी हिस्सों को खूबसूरत आकार देता है। ऐसे में पुशअप्स करने के लिए सबसे पहले अपने हाथों को फर्श पर रखें। ध्यान रहे कि आपके दोनों हाथ कंधों के नीचे होने चाहिए। अब कमर सीधी रखें। इसके बाद में आप अपनी कोहनियों को मोड़ें और सीने को फर्श के नज़दीक लाएं, फिर वापस उसी स्थिति में लौट आएं। दोस्तों, ये पूरी प्रक्रिया को ही पुशअप्स माना जाता है। ऐसा आप रोज़ाना तकरीबन 16 राउंड स्टार्टिंग में लगा सकते हैं और धीरे धीरे करके आप 30 से 35 राउंड भी लगा सकते हैं। दोस्तों, पुशअप्स को थोड़ा और असरदार बनाने के लिए आप अपने पैर को तकरीबन 1 फुट ऊंचाई पर रखें और साथ ही दोस्तों, आप अपने हाथों को अपने चेस्ट से लगभग 3 अंगुल बाहर रखें। अब नीचे की ओर आराम से आएँ और ऊपर की ओर तेज़ी से जाएँ। इसके बाद नीचे आते वक्त आप सांस को अंदर की ओर लीजिए। दोस्तों, इसके 8 से 12 रैप आपके लिए काफ़ी है। जी हाँ, तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से पुशअप्स करने पर आपके सीने और सती कंधे की शेप बनती हैं। और दोस्तों, पुशअप्स करने के लिए ना तो आपको बहुत समय चाहिए होता है और ना ही कोई ख़ास उपकरण। तो ऐसे में ये साधारण सी एक्सरसाइज रोज़ करने से आप फिट और मजबूत तो बनते ही हैं, साथ ही आकर्षक लुक भी आपको प्राप्त होता है, इसीलिए आप इसे ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं पुशअप्स करने से आपको किस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला है फ्रेंड्स, कमर दर्द की समस्या से निजात पाने के लिए बहुत ही कारगर है पुशअप्स। जी हाँ फ्रेंड, ख़राब लाइफस्टाइल और सती कई तरह की लापरवाही कमर दर्द यानी कि बैक पेन का कारण बन सकती हैं। ऐसे में पुशअप्स काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम से आपको निजात दिलाने में मदद करता है। पुशअप्स मांसपेशियों को मजबूती और साथ ही मांसपेशियों में आने वाली अकड़न को भी दूर करके दर्द को कम करने में बहुत ही मददगार होता है। दोस्तों, पुशअप्स उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है जिनको कमर यानी कि बैक के निचले हिस्से में पेन होता हो। पुशअप्स करने का दूसरा फायदा ये है कि ये शरीर के ऊपरी भाग के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जी हाँ फ्रेंड्स, पुशअप्स शरीर के ऊपरी भाग और साथ ही छाती यानी कि चेस्ट के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। जब आप एक पुशअप करते हैं तो आप अपनी पीठ को सीधे रखने के लिए अपने पेट को अपनी रीढ़ की ओर खींचते हैं, जिससे कि फ्रेंड्स आपका सीना फैलता है। इस तरह से यह ना सिर्फ आपकी भुजाएं बल्कि आपकी छाती, पीठ और साथ ही आपके शोल्डर्स यानी कि कंधे को भी खोलता है। हर दिन पुशअप्स करने से आपको शरीर को ताकत हासिल करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, साथ ही आपके शरीर के ऊपरी भाग में भी विकास होता है, इसीलिए आप भी पुशअप्स ज़रूर करें। पुशअप्स करने का तीसरा फ़ायदा है, ये बॉडी पॉस्चर में भी सुधार करता है। इसके नियमित अभ्यास से आपके बॉडी पॉस्चर में भी सुधार होता है। जी हाँ फ्रेंड, इसके कारण आपका शरीर स्ट्रेट रहता है। इसे नियमित रूप से अपनाकर लोअर बैक इंजरी को भी रोका जा सकता है। और दोस्तों, पूर्ण शारीरिक सक्रियण के द्वारा कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाती है।
पुशअप्स करने से आपके शरीर का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी सही ढंग से काम करता है। दोस्तों, पुशअप्स करने का चौथा फायदा ये है कि ये हमारे शरीर के फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। जी हाँ, शरीर में लचीलापन बेहतर बनाए रखने के लिए भी पुशअप्स करना सबसे बेहतर विकल्प है। पुशअप्स करते हुए जब आप अपने शरीर को नीचे की ओर ले जाते हैं तो आपकी पीठ की मांसपेशियां स्ट्रेच होती हैं, और जब आप शरीर को ऊपर ले आते हैं तो आपके बाइसेप्स के मसल स्ट्रेच होते हैं। ऐसे में लगातार इसकी प्रैक्टिस से आपके शरीर का लचीलापन बढ़ता है, इसीलिए आप भी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए पुशअप्स को ज़रूर करें। पुशअप्स करने का पांचवा फ़ायदा है, ये कैलोरीज को बर्न करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, पुशअप्स करने से आपके शरीर की शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा ये फैट बर्निंग एक्सरसाइज भी है। पुशअप्स करने के दौरान आप काफ़ी एनर्जी खर्च करते हैं, और दोस्तों ये एनर्जी और कुछ नहीं बल्कि कैलोरीज ही होती हैं। ऐसे में वज़न कम करने के लिए यानी कि वेट लूज़ करने में भी पुशअप्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार हैं। इसीलिए अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है और आप इसे कम करना चाहते हैं तो आपके लिए पुशअप्स सबसे बेहतर है। दोस्तों, पुशअप्स करने का छठवां फ़ायदा ये है कि ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है। जी हाँ, उम्र के साथ ही महिलाओं और साथ ही पुरुषों में हार्मोन्स कॉन्सेंट्रेशन बदलते रहते हैं। ऐसे में दोस्तों, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर काफ़ी कम हो जाता है। ऐसे में पुशअप्स की मदद से इससे निजात पाया जा सकता है। रोज़ाना स्टैंडर्ड पुशअप्स करने से टेस्टोस्टेरोन लेवल में इजाफा होता है। पुशअप्स करने का सातवां फ़ायदा है, ऑस्टियोपोरोसिस का ख़तरा कम होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, हड्डियों के घनत्व में गिरावट आने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऐसा अक्सर अधिक उम्र वालों के साथ होता है। ऐसे में एक बेहतर डाइट और साथ ही नियमित रूप से पुशअप्स तथा वजन उठाने वाले एक्सरसाइज ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम करते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप भी ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी से बचना चाहते हैं तो ऐसे में आप भी रोज़ाना पुशअप्स ज़रूर लगाएं। पुशअप्स करने का आठवां फ़ायदा ये है कि ये चोट लगने के खतरे को कम करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी ना हो तो ऐसे में आपको कंधों और साथ ही पीठ पर चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। पुशअप्स आपके शरीर को फ्लेक्सिबल तो बनाता ही है, साथ ही बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। और दोस्तों, अगर आप पुशअप्स का नियमित अभ्यास करते हैं तो ऐसे आप कठिन से कठिन एक्सरसाइज आराम से कर पाएंगे। और दोस्तों, पुशअप्स करने का नौवां फ़ायदा है, कार्डियक डिजीज़ में आती है कमी। जी हाँ फ्रेंड्स, पुशअप्स करने वाले पुरुषों में दिल की बीमारियां यानी कि दोस्तों हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का खतरा कम हो जाता है। इसीलिए आपकी अपर बॉडी ही नहीं बल्कि आपके दिल के लिए भी पुशअप्स ज़रूरी हो जाते हैं। इस तरह से दिल की बीमारियों से बचने के लिए पुशअप्स के फ़ायदे सबसे अव्वल है। इसीलिए फ्रेंड्स, आप भी पुशअप्स करें और अपने हार्ट को बनाएं हेल्दी। और दोस्तों, पुशअप्स करने का सबसे लास्ट और साथ ही दसवां फ़ायदा है, मसल टोन होते हैं और साथ ही उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। दोस्तों, पुशअप्स मसल को टोन करने के साथ ही आपकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। इसीलिए पुशअप्स के फायदे से आपकी मसल्स भी फायदे में रहेंगी। और दोस्तों, इसे करने से आपके कंधे, भुजाएं और साथ ही बाजुओं की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये थे पुशअप्स लगाने के ज़बरदस्त फ़ायदे और साथ ही इसे करने का सही तरीका। सो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से पुशअप्स लगाएं और अपने आप को बनाएं हेल्दी एंड फिट। आपको ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना, साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्योरीज हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। टिल देन दोस्तों, ईच हेल्दी एंड स्टे फिट। बाय।